हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे राठौड़ हंटर नागा बॉय यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे को एक जो अपने मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये आज मेरा जो है यूट्यूब का दूसरा ब्लॉग है। मैं अभी प्रेजेंट मतलब एमपी में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर इंदौर के सामने एक पातल पानी पड़ता है, वहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे चलते हैं। अरे यार, यही तो मजा है। यार तो दोस्तों, हमारा सफर शुरू हो गया है। अब ये हमारे एक स्कूटर में तीन तीन जने जा रहे हैं हमारे। देख सकते हैं आप नजारा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। बिल्कुल एकदम बारिश का मौसम हो रहा है। ड्राइवर 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 सर, ये हमारे ड्राइवर सर हैं। ड्राइवर सर देखो ना, प्लीज सर, इधर इधर सर, इधर देखो ना। देखूंगा गाड़ी चला। अरे गाड़ी तो चलती रहेगी। दो बार फिर ताव दिया, कंबाइन पूरा चालू किया। क्या सर, देखो ना इससे बढ़िया सीन। लेकिन सर, इतना सुहाना मौसम हो रखा है ना, लेकिन जो सीन हमारे यहाँ है वो कहीं नहीं है। है कि नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल फ्रेंड, हम जाएंगे पातल पानी। पहले भी जा चुके हैं हम जाने को। तो ये देखिए, ये पूरी बीन्स की खेती है। पूरी ये जो खेती चल रही है, पूरे बीन्स की खेती है। आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बारिश में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीन्स ही उगाई जाती है। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। हाँ,
रिसॉर्ट। अब धीरे धीरे से हम लोग पाताल पानी के नजदीक पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आप रॉयल रॉयल रिसॉर्ट, ये सबसे फेमस होटल है इस पाताल पानी लोक का। सीरियस फ्लूट ले लेते सर, आप लोग यहाँ का नजारा देख सकते हैं, बिल्कुल पाताल पानी का आगे खोखा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे पाताल पानी का पूरा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज बारिश भी हो रही है, मेरी स्कूटी में रेनकोट था तो मैंने रेनकोट पहन लिया, साथ वाले मेरे पूरे भीग चुके हैं। वैसे 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 बारिश होती नहीं लेकिन आज पहली बार हो गई। ये देख सकते हैं लोग किस तरह रहे हैं। भीगी भी शक्ल तो दिखा दो मेरी भी। अरे आपकी भी दिख जाएगी सर, कोई टेंशन थोड़ा है उसमें। क्या पूछना है? है? अरे यहाँ है ना, स्कूटी में है यार। नहीं और आगे ले जाओ सर। हाँ इधर इधर खड़ी करो, लेफ्ट साइड, राइट साइड में, राइट साइड में वो उधर ले जाओ गाड़ी। तो दोस्तों ये है पाताल पानी का नज़ारा, अभी नीचे से झरना दिखाई देता है। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं। पूरा बारिश का मौसम हो रहा है अभी और मेरे साथी लोग भुट्टा ले रहे हैं। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। वो हमारे पास है। ना ना मैं नहीं खा रहा हूँ, आप लोग खाओ। दो दे दे मैं। देख सकते हैं आप लोग, नींबू मार के नमक। तो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है एक नीचे बहुत बड़ा झरना है। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये इधर से दिखता नहीं है, वो सामने जाना पड़ेगा, उधर से दिखेगा। ये हमारा पाताल पानी का नज़ारा बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ये नदी है और एक नदी उधर से आती है और ये जो बीच से है वो झरना है पूरा। ये मेरे साथी लोग लेने के लिए गए हैं, देख सकते हैं आप पूरी तरह से भीग गया हूँ मैं यहाँ पे। बारिश का मौसम हो रहा है, एकदम सुहाना नज़ारा है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये है पाताल पानी का एक छोटा सा व्यू और ये है हमारा पाताल पानी का नज़ारा। आप लोग नीचे तक देख सकते हैं इसको। अगर कोई भाई साहब यहाँ पर आए भी होंगे, कोई हमारे दर्शक आए भी होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हम लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, उधर जाके हम मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा इस पाताल पानी व्यू का। तो धीरे धीरे चलते हैं दूसरी छोर पर। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना नीचे गहरा है, मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग। बहुत कैमरा करने के बाद ये हो रखा है। ये हमारा पाताल पानी का झरना अभी पेड़ की वजह से दिखाई नहीं रहा, थोड़ी आगे से ये झरना भी दिखाई देगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
तो ये रहा एक पातल पानी का छोटा सा व्यू, आप लोगों के सामने देख सकते हैं। वर्षों पहले इधर बाढ़ आई थी, कई लोग यहाँ पर गए भी थे। फेसबुक मैंने एक वीडियो अपलोड की देखा था इसका, एक आप लोग देख सकते हैं। ओह माय गॉड वाओ, ये एक छोटा सा झरना, छोटा सा नहीं दूर से छोटा सा दिख रहा है लेकिन बट है बहुत बड़ा है झरना, आप लोग देख सकते हैं। बारिश का मौसम भी हो रहा है, एकदम पूरी बारिश से मैं भीगा हुआ हूँ, ये पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। अब मैं झरने के ठीक सामने पहुंच चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा नज़ारा। यहां से पूरा नीचे जो है मतलब एक पाताल पानी के नाम से जाना जाता है, जो पाताल लोग जैसा बनाया गया है, और पूरा ऊपर से ग्राउंड की तरफ पूरा वो देख सकते हैं आप लोग, उधर का नज़ारा देख सकते हैं। बारिश से लोग बाहर, लेकिन हमारे पास छतरी भी नहीं आया, मेरे पास रेनकोट था मेरी स्कूटी में, तो दोस्त के लोगों के वो भी पसंद नहीं आया, बोला हमने नहीं पहना, तो बोला आप कैसे पहन सकते हो करके, उसके बाद मैंने भी नहीं पहना, रेनकोट नहीं पहना। तो इधर का भी आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं पाताल पानी के ठीक सामने झरने के पास अभी खड़ा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं नीचे का व्यू पूरा, कितना सुंदर दृश्य है इधर का, आप लोग देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आपको धीरे धीरे मैं आपको ले चलूँगा, एक अपने छोटे से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि मैंने मतलब ऐसे सुंदर सुंदर जैसे दृश्य हैं इतने नज़ारे देखने को आप लोगों को मिलते हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन में ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दे पाऊँ। साथ ही देख सकते हैं आगे नीचे तक का व्यू पूरा, मैं आप लोगों को और आगे जाके दिखाऊंगा इसका नीचे का व्यू, उस साइड से जो है लास्ट किनारे पर वो आपको दिख रहा है वो सामने, उसके भी उस पार मैं आपको ले चलूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का सफ़र, शुरू करते हैं। अभी सबसे टॉप जगह से मैं आप लोगों को एक पातल पानी का व्यू दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा नीचे तक का। ये पातल पानी की सबसे टॉप जगह है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। अब धीरे धीरे कदमों से हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ इतनी भीड़ है, मतलब आज की डेट में जब मैं पहले पिछली बार आया था तो मैं तब मैंने शुरुआत भी नहीं की थी ब्लॉग बनाने की, उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा भी नहीं था इस बारे में। तो आज मैं सोचा, मैंने कहा पातल पानी जा ही रहा हूँ साथ वालों के साथ, तो मैंने कहा आप लोगों को क्यों ना जाते जाते एक ब्लॉग भी बनाऊँ। और देख सकते हैं इधर का बाहर का व्यू, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा कैसा, लोगों से बिल्कुल खचाखच भरा है। हमारे इधर एक वो सनेती का मेला है, उस टाइप का पूरा मेला जैसे हो रखा है इधर, आप लोग देख सकते हैं पूरा। अभी मैं ट्रेन की पटरी से होकर के जाऊंगा अभी लास्ट किनारे पे, जहां से पातल पानी का व्यू एंड लास्ट है। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आप लोगों को अच्छी लगेगी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो। और साथ ही साथ ये हमारे दोस्त लोग दोनों साथ में पहुँच चुके हैं, अभी आ रहे हैं लोग। ये इधर रेलवे स्टेशन भी है पता है, ये देखो हाँ रेलवे स्टेशन है ना। आप लोग जाओ, मैं चलता हूँ। मैं सर मैंने ले लिया, आप लोग चलो, इधर से नहीं है आगे जाने का, इधर से ही है। तो लोग बोल रहे हैं कि बोला उधर से ही चलते हैं, मैंने कहा उधर से जाने का नहीं है क्योंकि मैं पहली बार भी आ चुका था इधर। तो ये है रेलवे ट्रैक, खाली मतलब एक रेलवे स्टेशन टाइप में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन चलती है नहीं चलती है आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। ये है एक रेलवे ट्रैक, पटरी पर न चलें करके यहाँ सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर से ट्रेन चलती भी होगी लेकिन
इतना पता मेरे को भी नहीं है यहाँ से ट्रेन चलती है कि नहीं चलती है करके। मैं आप लोगों को सीधे ले जा रहा हूँ अभी। अभी मैं खुद ही रोल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ट्रेन की पटरी से होते हुए गुजर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कोई कोई लोग तो लगता है शायद, क्या पता हो सकता है बच्चे अच्छे ट्रेन में ना बैठे हों, ट्रेन की पटरी में बिल्कुल फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं नज़ारा है, बिल्कुल एक गुफा टाइप में ये बनी हुई है। तो यहाँ से होकर के मैं बीच ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इधर से भी पातल पानी का नीचे का व्यू दिख रहा है, बट मैं आपको अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर बार मेरे उसमें अभी लगातार व्यू मतलब वही व्यू आते रह रहे हैं। तो आपको सीधे ले जा रहा हूँ अभी पातल पानी के लास्ट किनारे पे, एंडिंग फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं, इतना कुछ अच्छा है नहीं, खाली बीच में ट्रेन की पटरी वगैरह है। तो आप लोग देख सकते हैं जगह जगह रेलिंगें लगाई हुई हैं ताकि कोई नीचे न जाए करके, क्योंकि यहाँ से नीचे एकदम गिरने वाला क्षेत्र है पूरा, और लोगों ने यहाँ पर पूरा वो कर रखा है मतलब कवर कर रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा व्यू यहाँ से भी पातल पानी का दिख रहा है, बट यहाँ से उतना वो है नहीं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतना खास कुछ दिख नहीं रहा है। लोग बाद फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लोगों के लिए तो ये पहली पहली जगह है, बट हम लोग को एक साल तो हो गया मेरे को इधर रहते रहते, बट मैं यहाँ पर कई बार तो आ चुका हूँ, लेकिन आज आप लोगों के सामने वीडियो बनाने का मौका मिला है। इसे उतर कर फिर से आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा है यहाँ से, पूरा मतलब नीचे की तरफ है ये, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं एकदम से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सीधे नीचे को पूरा व्यू है ये, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग देख सकते हैं अभी एक अंकल बोल रहे थे मेरे को, बड़े भैया आप थोड़ा पीछे हो जाओ, वो बोला स्लिप हो जाओगे नीचे गिरोगे करके। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा पातल पानी का, शायद इससे भी आगे ट्रैक बने हुए हैं, हम लोग इससे भी आगे मैं जाना चाहूँगा, थोड़ी देर और जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक इसका वो है करके। हालाँकि ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी पूरे लोग भी जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ थोड़ी दूर, आगे गेट जैसा नज़र आ रहा है, देखते हैं वहाँ पर। गेट के नीचे सुरंग है, मैं आप लोगों को एक सुरंग भी दिखाना चाहूँगा धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से। इस पातल पानी के नीचे से एक सुरंग जाती है, और जो लोगों ने ट्रेन में सफ़र नहीं किया होगा, सुरंग नहीं देखी होगी, मैं सुरंग भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं ये सुरंग का दरवाज़ा यहाँ से शुरू हो रहा है, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे। देख सकते हैं आप लोग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है कालाकुंड मध्य प्रदेश रेलवे पाताल पानी, आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। सुरंग नंबर 1 किलोमीटर 521 3.5 लंबाई 87 मीटर आकार घोड़े की नाल निर्माण 1877 राजपुताना मालवा रेलवे पाताल पानी कालाकुंड मध्य प्रदेश। यह रेलवे सुरंग, मैं आप लोगों को आगे अंदर जाता हूँ अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी सुरंग बनी हुई है, पूरा अंधेरा हो रखा है इधर, मैं फ्लैश ऑन करता हूँ लेकिन फ्लैश से भी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा अंधेरा है। वो सामने 1 किलोमीटर दिखा रहे थे, बट 1 किलोमीटर है नहीं, लंबाई 1 किलोमीटर दिखा था, मैं
बीच रास्ते से जा रहा हूँ अभी रेलवे ट्रैक से होते हुए, और सामने अभी पहाड़ी क्रॉस करूँगा। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बीच से मैं गुजर रहा हूँ। और सामने से अभी बस 50 मीटर की दूरी पर जो है ओपन एरिया आ जाता है, मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा अभी। इतना सुंदर नज़ारा शायद आप लोगों को कभी ज़िंदगी में देखने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। यहाँ पर इंदौर के मऊ एरिया में स्थित है। ये पूरा रेलवे ट्रैक हाँ अनुमानित मैंने सही बोला था, मैंने कहा 1 किलोमीटर लगभग लंबी सुरंग है, लेकिन इन दोनों सुरंगों की मेरे ख्याल से इन दोनों सुरंगों का वो दे रखा है इन्होंने, एक और सुरंग सामने पड़ी है लेकिन इसमें बहुत लंबी पहाड़ी है। और ये पहाड़ी कम से कम 1 किलोमीटर लगभग होगी, क्योंकि ये पहाड़ी अब आप लोग देख सकते हैं ये सुरंग है एक दूसरी सुरंग, मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से सुरंग शुरू होती है और ये लास्ट किनारे पर यहाँ पर सुरंग ख़त्म हो रही है। और यहाँ से आप लोगों को पातल पानी के नीचे का व्यू मैं आप लोगों को अभी इधर से उतना ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों को वीडियो पसंद आए और तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और आने वाले बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पता चले। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ये कीचड़ से भरा हुआ ये पातल पानी का नज़ारा, गाड़ियां सामने, ऊँट, अभी हम देखते हैं ऊँट पर बैठते हैं, हमारे पास कैश तो नहीं है लेकिन अगर फ़ोन पे चलेगा तो हम लोग ऊँट पर भी बैठेंगे। देख सकते हैं आप लोग